फलस्तीन के बारे में लोग मुझसे सवाल कह रहे हैं, आप बयान क्यों नहीं रिकॉर्ड करवाते? ये गलत फहमी है, गलत बयानी है। फलस्तीन के बारे में मैंने बहुत सारे बयान रिकॉर्ड करवाए हैं, और ये मसला दो और दो चार की तरह है। सारी दुनिया जानती है कि फ़िलिस्तीनियों पे जुल्म हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। अब मसला ये है कि उस जुल्म से हम उनको बचाएं कैसे, इस पर गौर करना चाहिए। आवाज़ तो सब उठा रहे हैं, हमने भी उठाई है, लोग भी उठा रहे हैं, और यहूदी जो कुछ कर रहा है वो जुल्म है, बरबरीत है। पूरे रमज़ान उनका मस्जिद अक्सा में क्या कुछ किया इन लोगों ने। हमने भी ख़त्म कुरान पर उनके लिए बहुत अपनी तरफ से जितनी हम दुआएँ मांग सकते थे मांगी हैं। तो देखें, इस वक्त जो है ना, दो काम हम कर सकते हैं। हमारे और आपके करने से वो कुछ नहीं होगा जो हमारे हुक्मरानों के करने से होगा। जमहूरी हुक्मरान देखते हैं कि हमारी पब्लिक क्या चाहती है हमसे। अगर पब्लिक भरपूर तरीके से फेसबुक पर, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया के जितने भी ज़राए हैं, भरपूर एहतजाज करें, तो हमारे हुक्मरान भी एहतजाज करने पर मजबूर होते हैं। इस वक्त तैयब उर्दोगान जिस तरह इस फिलिस्तीनियों के हक में आवाज़ उठा रहे हैं ना, अगर जब तक ही हमारे सारे इस्लामी कंट्रीज़ के सरबराहान इस अंदाज से आवाज़ नहीं उठाएंगे, उस वक्त तक बात बनने वाली नहीं है। कश्मीर के मसले पर भी ऐसा ही था, आवाज़ उठाने की कोशिश की गई, लेकिन दूसरे मसाइल खड़े करके उस आवाज़ को दबा, बाज़ हुक्मरानों ने भी उस वक्त आवाज़ उठाने की कोशिश की थी, लेकिन दूसरे सियासी वो कुछ ऐसे वो धरने मरने ये सब चीज़ें वो आवाज़ दब गई फिर। तो हमारे यहाँ लोगों में शोर नहीं है, एक मौजू चल रहा होता है, लोग उसकी तरफ आ रहे होते हैं, दूसरा टॉपिक छेड़ दिया जाता है। लोगों में ये शोर नहीं है कि वो उस दूसरे टॉपिक की तरफ लग जाते हैं। भाई आप उस छोटे टॉपिक को छोड़कर जो असल हदफ है आप उसको फोकस करो, उस पर आवाज़ उठाओ। देखें, अब ये हैंडी कैम ने बहुत काम आसान कर दिया है। फिलिस्तीनियों पर पहले जो जुल्म होता था वो वीडियो की जीनत नहीं बनता था, अब क्या हुआ है कि लोगों के पास कैमरे हैं, लोग फिलिस्तीनियों की शजाअत देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे पत्थर मार रहे हैं, एक बच्ची को गिरफ्तार किया जा रहा है, वो मुस्कुरा के गिरफ्तारी पेश कर रही है। ये नर लोगों का काम है, शेरों का काम है। ये फिलिस्तीन के जो अरब मुजाहिद हैं उनकी अजमत को करोड़ों दफा सलाम है, जो बहादुरी के साथ वो डटे हुए हैं। शायद हम और आप के साथ अगर ये कुछ होता तो शायद हम और आप ये इस्तेकामत ना दिखाते, लेकिन दुनिया ने उनको निहत्ता छोड़ दिया है। उनकी मदद भी क्या हो रही है, इनको रोटी पहुंचाओ। ओ भाई, एक आदमी आपको कलाशनकोफ से मार रहा है तो उसका हल ये कि उसको चाकू तो दो कम से कम दिफा करने के लिए, तो चाकू देने के लिए भी तैयार नहीं है। बहुत ज्यादा बात होगी, इनके भूखों को रोटी खिला दो और इनके जख्मियों का इलाज कर दो। तो असल फिलिस्तीनियों की मदद जो हमारे हुक्मरानों पर लाजिम है, तमाम इस्लामी कंट्रीज पर लाजिम है, कि जब फिलिस्तीनियों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं तो गोली के दिफा के लिए उनके पास ढाल तो हो, कम अज कम चाकू तो हो लड़ने के लिए। तो ये दुनिया को लारे रपे देखे ना, फिर इस वजह से ये जो फिर एहतजाज हो रहे हैं ना, जिस तरह इस पर फिर इंसान का खून और जलता है कि यार तुम तो उनके जख्मों पे नमक छिड़क रहे हो। एक आदमी मर रहा है, पिट रहा है, आप उसके मुंह में रोटी डालो, इसको निवाला दो, इसको वो रोएगा, कहेगा मुझे निवाले की जरूरत नहीं है, जो मुझे मार रहे हैं मुझे दिफा के लिए कोई चीज दो। तो ये बहुत बड़ा इशू है भाई, हमारे हुक्मरानों पर हमें दबाव डालना चाहिए। हमारे हुक्मरानों पर हमें जो अपोजिशन है उसको भी चाहिए कि अपने इख्तलाफ भुला के हुकूमत से ये मुतालबा करे कि अगर आप फिलिस्तीनियों के हक में यूनाइटेड नेशन में आवाज उठाते हो मिलके, हम अपने इन हुकूक से दस्तबरदार होने के लिए, हुकूक से मुराद इन मुतालबों से दस्तबरदार होने के लिए तैयार हैं। तो ऐसा जानदार काम कोई कर नहीं रहा है, तो हर आदमी बस एक ऐसा मालूम होता है कि बहुत सब तो नहीं कह सकते, बहुत से लोग अपने जहां कोई ऐसा इशू खड़ा होता है ना, अपने कुछ सियासी मफाद हासिल करते हैं। बस हर केस में ऐसा ही होता है, अपने यानी यूं समझे कि इस तरह की केसेस को कैश करा के अपने आप को प्रमोट करना और लोगों के सामने बावर कराना कि मैं बहुत मजलूमों के दिफा के लिए मेरे अंदर बहुत बड़ा जज्बा है, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं हो रहा। तो इसलिए ये जो हमारी जितनी भी सियासी तंजीमें हैं, सबसे पहले इनकी जिम्मेदारी बनती है ये कॉल करें, ये लोगों को बुलाएं, बोले भाई कंटेनर रखे जाएंगे, मुतालबात होंगे, हम अपने वजीर आजम पर दबाव डालेंगे, आपने ये आवाज़ उठानी है। ये सऊदी अरब में भी हो, पाकिस्तान, तुर्की तो कर रहा है काफ़ी हद तक, मलेशिया में भी हो, तो सारे मुल्कों के सरबराहान की जब आवाज़ें इकट्ठी होंगी तो फिर एक जान पैदा होगी इस नारे में, इस दावे में। वैसे अगर आप करते रहेंगे, दुआएं तो हो रही हैं उनके लिए और कुछ ट्रस्ट हैं जो उनको खुराकें भी पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये मदद का जानदार तरीका नहीं है। फिलिस्तीनियों को यूनाइटेड नेशन भी हक देती है। ये मसला अभी तक ऐसा है कि यूनाइटेड नेशन बुनियादी तौर पर फिलिस्तीनियों के साथ है, अमेरिका वेटो पावर इस्तेमाल करके यूनाइटेड नेशन को कोई फैसला करने नहीं देता। मैं हैरान हुआ था जब मैंने अपने तौर पे तहकीक की कि पूरा यूरोप इस वक्त फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा है, सिवाय लंदन के और अमेरिका के। ये दो मुल्क इस मामले में खयानत करते हैं, ये लोग इसराइल का साथ दे रहे हैं, यूएसए और
यूके, बाकी गैर मुस्लिम भी इस मसले में आपके साथ है। तो इसमें तो अगर मुस्लिम कंट्रीज मुत्तहिद होके यूनाइटेड नेशन में मजबूत तरीके से आवाज उठाएं तो आपके हक में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मसला गैरों का नहीं है, मसला अपनों का है। इन तिलों में तेल नहीं है, और अपनों का भी मसला नहीं है, अवाम का मसला है। अवाम के जो सियासी लोग हैं वो इनको अपने जाती मफाद के लिए तो इस्तेमाल करते हैं, अवामी मफाद के लिए इस्तेमाल नहीं करते कि मुल्क का फायदा किसमें, अवाम का फायदा किसमें। तो इसलिए भाई इसमें जो है ना कुछ जो हमारी सियासी तंजीम है उनकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि बहुत भरपूर तरीके से आप, अभी ये मसला गर्म है, सारी दुनिया वीडियोस देख रही है, लोग जमा हो जाएंगे आपकी दावत पर। तो इस तरह से तो मौसर काम हो सकता है, वरना जिस तरह से हो रहा है इस तरह से ये उनके बस यूं समझो कि उनके जख्मों पर नमक छिड़कने वाली बात है। अल्लाह ताला तौफीक दे। और कश्मीर का भी यही है, जब कश्मीर में जुल्म होता है तो भाई आप, हम छोटे छोटे मसाइल पर कितने बड़े बड़े धरने हो जाते हैं हमारे, छोटे छोटे मसाइल पर, और कैसे हुकूमत पर मुतालबात मनवाए जाते हैं। तो ये तो बड़े बड़े मसाइल हैं। कुरान में अल्लाह का क्या इरशाद है, इन्नल्लाह ला युगैरु मा बिकौमिन हत्ता युगैरु मा बिअन्फुसिहिम। इसको शायर ने इस आयत का तर्जुमा शेर में किया है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। जब हमें अपनी हालत के बदलने का खुद ही ख्याल नहीं है तो अल्लाह भी हमारी हालत को तब्दील नहीं करेगा। देखो जो फिलिस्तीनी मुजाहिदीन हैं, जो शहीद हो रहे हैं, वो तो कामयाब हो गए, उनकी आजमाइश नहीं है, ये आजमाइश हमारी है, ये उनकी आजमाइश नहीं है। उन्होंने अपना फ़र्ज अदा कर दिया, कई दिहाइयाँ हो गई हैं, वो यहूदी का बैतुल मक़द्दस का कब्ज़ा नहीं होने दे रहे, ये उनके नर होने की अलामत है। वो अल्लाह के दरबार में कामयाब हो चुके हैं, मसला उनके साथ नहीं है, मसला मेरे और आपके साथ है। हम ना कहीं उल्टे लटके हुए हों क़यामत के दिन, हमारे हुक्मरान लटके हुए हों। तो इसलिए अपनी जो सोच है ना, अपना जो मुतालबे का जो हदफ है उसको एक करने की ज़रूरत है। पूरी कौम की कास एक होनी चाहिए, हदफ एक होना चाहिए, उस पर डटना चाहिए।